आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय है और इसके हॉल में ये एक अनोखी प्रदर्शनी आज जो है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लगाई गई है। हम एक एक करके उन तमाम प्रदर्शनी में क्या कुछ है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह से तमाम पूरे हॉल में एक एक करके बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, उनके कार्य से जुड़े हुए तमाम जो फ्लैक्स हैं वो लगाए गए हैं। देखिए, पहले फ्लैक्स में लिखा हुआ है मोदी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की, और यहाँ से ये पूरा प्रदर्शनी शुरू होता है और उनके एक एक किए गए कार्य की, जैसे बचपन की पाठशाला से जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी वो दिखाया गया है, फिर स्कूल चले हम अभियान जो नरेंद्र मोदी ने बेटियों की शिक्षा के लिए शुरू की थी उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बाद युवा नमो जीवन की एक खोज, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा अवस्था की जो है वो तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और तब बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं, इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। यहाँ देखिए, हिमालय की गोद में हेडलाइन के साथ ये नरेंद्र मोदी ही हैं, देख सकते हैं उन्हीं के व्यक्तित्व, उन्हीं की तस्वीर है और नीचे भी उनकी तस्वीर है। काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा भाजपा के लोगों को इस तरह की प्रदर्शनी को लगाने के लिए। आप देख सकते हैं पावरफुल सीएम के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा गुजरात में, उसको भी यहाँ पर बखान किया गया है किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो अधिकांश जो लोगों तक बिजली की आपूर्ति उन्हें मुहैया करवाई, 18,000 गाँव में ज्योति ग्राम योजना को उन्होंने शुरू की उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके साथ ही देखिए, कृपया कुर्सी की पेटी बांध ले उड़े देश के आम नागरिक, जो हवाई योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई, जो आज हर छोटे शहर में भी आपको 2-3 और 3 टायर शहर में भी आपको जो हवाई अड्डे आजकल प्रचलित होते दिख रहे हैं उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई गई, किस तरह नरेंद्र मोदी का वो सपना था और किस तरह से उन्होंने जो हवाई उड़ान जो आम नागरिक के लिए, जो भाजपा के लोग बोलते हैं कि हवाई चप्पल वाले लोग भी जो हैं अब हवाई जहाज़ पर चढ़ेंगे, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ ही ड्रीम बिग एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन वो अभी निर्माण करवा रहे हैं एयरपोर्ट ऐसे, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह करके धीरे धीरे तमाम प्रदर्शनियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि कोविड काल में भारत जो है अपने टीके के लिए और टीकाकरण अभियान के लिए विश्व पटल पर जाना गया, उसको भी यहाँ पर जो है वो दिखाया गया। उसके बाद कोरोना की खिलाफ लड़ाई में भारत की वैश्विक अगुवाई, जो मैंने पहले ही आपको बताया था किस तरह से भारत का जो डंका इस कोरोना काल में पूरे देश में बजा, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ में खेल से बढ़ाया तालमेल, खेल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और खेल को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, एक कहें तो उसको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। धीरे धीरे उन तमाम कामों को यहाँ पर दिखाया गया, जैसे हर गरीब के सिर पर हो अपनी छत, जो पीएमवाई योजना है उसको यहाँ पर बताते हुए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। फिर अब अंतरिक्ष में भी भारत का दबदबा, जिस तरह से मंगलयान की सफलता में जिस तरह से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद इस तस्वीर को तो जो है सारे देशवासी जानते ही होंगे, योगा डे का प्रारंभ भी नरेंद्र मोदी ने ही किया और उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है कि मोदी के साथ दुनिया योग पथ पर किस तरह से विगत 2 सालों से योगा को एक प्राथमिकता दी गई और योग दिवस भी जो है अब भारत में मनाया जाने लगा, कहें तो उसको भी यहाँ पर दर्शाने की और जताने की कोशिश की गई है किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है कि आपको जो है यहाँ पर जो भारत में अलग अलग झलकियाँ दिखी, अलग अलग जो कार्य दिखे उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। काशी का कायाकल्प, वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर बनाया गया है वो दिखाया गया है, कहें तो सीएम से लेकर पीएम तक के कार्यकाल में जिस तरह का उनका काम रहा
वो तमाम जो है कामों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, और हर एक पोस्टर और बैनर में अलग अलग जो उनके जो काम रहे, जो कि विश्व पटल पर या भारत पटल पर एक पहचान बन सका, नरेंद्र मोदी का गुणगान हो सका, उन तमाम कामों को यहाँ पर दिखाया गया है। हम कैमरामैन से कहेंगे, पीछे जो आप देख सकते हैं वो सरदार पटेल की जो आयरन स्टैचू बनी थी उसको भी एक जगह दी गई है यहाँ पे, कि जितना ऊँचा कद उतनी विशाल प्रतिमा। इस हेडलाइन के साथ ये पूरा जो है बैनर को तैयार किया गया है। एक राष्ट्र एक कर, जिस तरह जीएसटी को लागू किया गया उसको भी यहाँ पर दिखाया गया। कहें तो कुल जो है इन तमाम पोस्टर में एक एक श्रेणी देकर जो है तमाम कामों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। भाजपा के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से, अच्छा कितना मेहनत लगा नरेंद्र मोदी जी की इस प्रदर्शनी को लगाने में। देखिए मेहनत ये थी, अब जो व्यक्ति और जो व्यक्तित्व है इस देश निर्माण में अपना तन मन समर्पित है और पूरे जीवन समर्पित कर दिए इस देश और समाज के लिए, उसके लिए प्रदर्शनी कोई हम लोग जैसे कार्यकर्ता के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग रात 12 बजे से लेके दिन के सुबह तक हम लोग जब चाहे नरेंद्र मोदी जी के हम लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, क्योंकि समाज निर्माण में और देश निर्माण में जिनका उनका योगदान है, जितना भी उनका तारीफ़ की जाए, जितने उनके लिए किया जाए, वो कहीं ना कहीं कम है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। यह एक समाज को दिशा देने के लिए, समाज के लोगों को बताने के लिए है, कार्यकर्ताओं को बताने के लिए है कि नरेंद्र मोदी जी ने शून्य से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर कितने विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, कितने नकारात्मक चीज़ों को झेलते हुए, कितने संघर्ष करते हुए उस पायदान तक पहुँचे हैं, तो उनके संघर्षों की एक गाथा है, देश के लिए किए गए उनके योगदानों की एक गाथा है, तो उसको हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो है बेरोजगार दिवस भी मना रही है, उस पर क्या? अरे राहुल गांधी तो अपने आप 2014 के बाद बेरोजगार हो गए हैं, महारानी भी बेरोजगार हो गई है, युवराज भी बेरोजगार हो गए हैं। आज वो बेरोजगारी इस कदर छाए हुए कि वो देश देश भ्रमण करके वो घूम रहे हैं कि वापस हमको कुछ रोजगार दे दे देश की जनता, और दोबारा हम उस प्रधानमंत्री पद पे तक हम पहुंच पाए। लेकिन ये दिल्ली दूर है, जिस तरह से 70 सालों तक देश के लोगों को उन्होंने बेरोजगार करके रखा है, आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जब से देश की कमान आई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश एक नए मजबूत हाथों में है, देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्या होता है? भारत अपने आप में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है, उसको किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको जोड़ना ही था तो उनके नाना नेहरू जी को उनको बताना चाहिए था कि उनके पूर्वजों को बताना चाहिए था कि जिस तरह से भारत को पाकिस्तान को भारत से अलग किया, वो अलग क्यों किया? अगर उस समय वो अलग नहीं करते तो आज राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा पर उनको निकलने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए राहुल गांधी जी शुद्ध रूप से बेरोजगार हो चुके हैं, और आने वाले चुनाव में 24 में वो फिर से बेरोजगारी के ओर जाएंगे, ये पूरे देश की जनता ने निश्चित कर लिया है। और गांधी परिवार के खिलाफ में जो जन आंदोलन बना हुआ है वो राहुल गांधी जी समझ चुके हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज देश में बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज बेरोजगार क्या है, बेरोजगार दिवस है, तो बेरोजगार सबसे बड़े देश के बेरोजगार तो राहुल गांधी जी है, इसलिए वो देश के रोजगार मांगने के लिए देश की जनता के बीच में निकल चुके हैं। किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित है, महिला नेत्री भी हैं भाजपा से, उनसे जानना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज, उनके लिए कुछ स्पेशल आप प्रिपेयर किए? जी, चूंकि मैं एक प्रशिक्षण सह प्रमुख हूँ डॉक्टर राष्ट्रीय जयंती, और साहित्य से जुड़ी हूँ, कविताएँ भी लिखती हूँ, तो जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया कि एक साधारण सा प्रचारक किस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में आए, और जब हम विश्वकर्मा पूजा आज है, आपको भी उसकी शुभकामनाएं, और जब विश्वकर्मा की बात करते हैं तो जगत निर्माण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शिल्पकार है हमारे भी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी, तो कहीं ना कहीं उस शिल्पकार की बात हम करते हैं, और उसको मैंने 4 लाइनों में रखी है। आप दीर्घायु और स्वस्थ रहे, आप दीर्घायु और स्वस्थ रहे, आप ही हैं हम भारतीयों की आस, 8 बरस के सेवा कार्य से, 8 बरस के सेवा कार्य से आपने दिलाया जगत को विश्वास, आपने दिलाया जगत को विश्वास, रच दिया आपने नया इतिहास, स्वच्छता की सबसे पहले की अपील,
स्वच्छता की सबसे पहले की अपील, शौचालय से बची स्त्री का सम्मान, योग को दिलाया विश्व में पहचान, योग को दिलाया विश्व में पहचान, सबका साथ और सबका विश्वास, आपने रच दिया नया इतिहास, आप ही हैं हम भारतीयों की आस, आप ही हैं हम भारतीयों की आस, आप ही हैं हम भारतीयों की आस। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सभी भारतीयों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज भाजपा कार्यालय में तमाम लोग जुटे हैं और इस प्रदर्शनी के माध्यम से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम से पीएम तक के सफ़र के तमाम उपलब्धियों को उन्होंने दर्शाने का काम किया है और साथ ही जिस तरह से भाजपा के लोग आज उत्साहित हैं, निश्चित ही उनका जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के अवसर पर तमाम भारतवासी आज उनको शुभकामना दे रहे हैं और उनके किए गए कामों को भी याद करने का एक अच्छा मौका है। हम जाते जाते इन तमाम पोस्टर्स के साथ आपको छोड़ जाते हैं और इन झलकियों के साथ आप अपना कमेंट जरूर दें कि ये प्रदर्शनी कैसे लगी और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामों को आप किस तरह से देखते हैं वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएँ। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह।